बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ड्यू टू द लैंग्वेज बैरियर इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, आई एम ट्राइंग टू ट्रांसलेट द लेक्चर आई हैव गिवन यू दिस इन उर्दू। सो फार्माकोलॉजी के पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल 10 होंगे और वो मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल क्लास कोड ज्वाइन कर लिया होगा, यहाँ पे जैसे ये मेंशन है, ठीक है। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लें सबसे पहले। क्विज़ जैसे आपकी ये सेकंड लैब है, मतलब सेकंड ईयर में आ गए हैं आप, तो आपको आइडिया तो होगा ही किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है मार्क्स की। तो क्विज़ के जो हैं वो 10 मार्क्स हैं, असाइनमेंट के 5 मार्क्स होंगे, जर्नल जो का आपका मैनुअल होगा उसमें कुछ आपने एक्टिविटी करनी होगी जैसे ऑब्जर्वेशन रिजल्ट और डिस्कशन, अगर लिखना को मैंने दिया तो आप वो लिखेंगे, जर्नल का हो गया। और वाइवा के मैं 10 मार्क्स रखूंगी और जो फाइनल इंशाल्लाह लैब होगी हमारी उसमें आप डिमोस्ट उसमें आपकी परफॉर्मेंस भी होगी, उसके 15 मार्क्स हैं। अच्छा, रेफरेंस बुक अगर आप देखना चाहते हैं तो कैटजंग देख लें। कैटजंग की जो फार्माकोलॉजी एग्जामिनेशन एंड बोर्ड रिव्यू, ये बहुत ईजी है तो आप ये देख सकते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल्स में प्रैक्टिकल नंबर 1 जैसे कि अभी हो रहा है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, टू स्टडी द इंट्रोडक्शन एंड बेसिक ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। इसमें से कुछ प्रैक्टिकल्स जो हैं जिस कुछ में परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं है और कुछ में परफॉर्मेंस की ज़रूरत है, तो जब इंशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी खुलेगी तो हम परफॉर्मेंस उसमें कर लेंगे और मैं कोशिश करूँगी आपको कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू परफॉर्मेंस मैं दिखा दूँ, ठीक है। वीडियो हर एक्सपेरिमेंट की 1 या 2 पार्ट में डिवाइड होगी, ईच पार्ट कंटेनिंग 20 मिनट्स टू 15 मिनट्स, तो टोटल विल बी अराउंड 35 टू 40 मिनट्स होंगे हर एक्सपेरिमेंट के वीडियो रिकॉर्डिंग में। उसके साथ मैं आपको गूगल क्लास में ही मैनुअल का जो है सॉफ्ट कॉपी वो मैं अपलोड कर दूंगी, और इसके साथ ही मैं प्रॉबेबली जब हमारा HU LMS में मेरा फंक्शनल हो जाएगा, मेरा ये जो आपका कोर्स है एक्टिव हो जाएगा, तो उसमें मैं ये करूँगी कि एक्टिविटी रिकॉर्ड करूँगी और आपको 48 आवर्स में उसमें रिस्पॉन्सेज देने होंगे और तभी आपकी अटेंडेंस भी मार्क हो जाएगी। आपके पास सिर्फ 48 आवर्स ही होंगे आपकी एक्टिविटी मतलब आंसर्स देने के लिए और ये जो है आपकी अटेंडेंस मार्क होने के लिए। ये सिर्फ आपकी क्लास के लिए होगा, इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपकी फाइनल एग्जाम से, ये सिर्फ आपकी अटेंडेंस के लिए। अच्छा, तो अब बेसिक्स और इंट्रोडक्शन जो है फार्माकोलॉजी एक्सपेरिमेंट में, इस लेक्चर में जो जो आप चीज़ें सीख सकते हैं वो जो सीखेंगे वो क्या क्या होंगी, मतलब इस लेक्चर के बाद आपको जनरल कंसिडरेशन पता चल जाएंगी फार्माकोलॉजी एक्सपेरिमेंट की, क्या वजूहात हैं, व्हाट इज़ द रैशनल जिसकी वजह से हम फार्माकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट हम डिज़ाइन किए हैं, फार्माकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट क्यों करने चाहिए, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं मतलब टेस्टिंग या एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और जो बेस रिसर्च का पार्ट होती है। अच्छा, क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, प्री क्लिनिकल स्टडी क्या होती है, कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होती हैं प्री क्लिनिकल और टेस्टिंग या स्टडी के अंदर, कौन कौन से एनिमल इस्तेमाल होते हैं हमारी फार्माकोलॉजी लैब में या फार्माकोलॉजिकल रिसर्च जो हम करते हैं। अच्छा, और इसके अलावा कौन से इथिक्स लॉज एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि एनिमल्स को इस तरह से हम यूज़ नहीं कर सकते, इसके पीछे भी सब मतलब कोई ना कोई रेगुलेशन है, रेगुलेटरी बॉडी है, जिस तरह से इंसानों में है इस तरह से एनिमल्स में है। तो इसका बैकग्राउंड ये है फार्माकोलॉजी का कि जो ड्रग्स या मेडिसिन है उनका जो इस्तेमाल है वो प्री हिस्टोरिक इरा में जो है शुरुआत होती है उसकी, और इसके जो बेनिफिशियल या टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब पॉइजनस इफ़ेक्ट्स जैसे कि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ड्रग्स या मेडिसिन के, वो हमें पता चले प्लांट और एनिमल सोर्सेस से प्री हिस्टोरिक इरा में। कॉन्सेप्ट फार्माकोलॉजी का हमें जो है वो मिलता है 17th century के शुरुआत में, जब ट्रेडिशनल यूज़ ऑफ ड्रग का मतलब ये है हर्बल मेडिसिंस जो हैं, हर्बल मेडिसिंस की हमने एक्सपेरिमेंटेशन, उसकी हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी कि हम लैब में हमने एक्सपेरिमेंट किया और उनकी ऑब्जर्वेशन नोट की। बहुत सारे ब्रिटिश फिजिशियन और साइंटिस्ट जो कि ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिंस हैं
जैसे कि हर्बल मेडिसिन्स हैं, इनको पहले ऐसे ही इस्तेमाल करते थे बगैर किसी एक्सपेरिमेंट के। तो उन्हें इसकी वैल्यू का तब पता चला जब उन्होंने इसके एक्सपेरिमेंट किए। पहले वो ऐसे ही प्रिस्क्राइब करते थे, बगैर कोई बॉडी नहीं थी, मतलब रिसर्च नहीं हुई थी, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं होता था उसके ऊपर। तो ये बहुत सारी बीमारियों में जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, हर्बल मेडिसिन इस्तेमाल जो होती थी, उनके हमने एक्सपेरिमेंट किए और उनकी ऑब्जर्वेशंस नोट की। तो साइंस ऑफ ड्रग प्रिपरेशन और उसके थेरेप्यूटिक यूज़ जो है वो फार्माकोलॉजी का पार्ट बन गए फिर उसके बाद। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस के जो थी वो क्या थी? फैसिलिटीज़ नहीं थी। जो भी मेथड्स इस्तेमाल होते हैं प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में, जैसे कि हमारे पास जो हर्बल मेडिसिन्स, या फिर आप ये सोचें प्लांट्स जो थे हमारे पास, अब प्लांट में कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट, कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिसकी वजह से आपको वो एक थेरेप्यूटिक इफेक्ट मिलता है आपकी। फॉर एग्जांपल जैसे कफ है, अब कफ में अगर कोई जैसे क्लोव इस्तेमाल करते हैं हम एज ए कफ सप्रेसेंट, अब उसके अंदर क्या है ऐसा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट वो हमें पता होना चाहिए, उसकी वजह से वो इफेक्ट आ रहा है। और उस वक्त ये सारे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। सो फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑन द लिविंग सिस्टम। तो आपको ड्रग्स भी पता होना चाहिए। ड्रग जो है, अकॉर्डिंग टू WHO, ड्रग इज एनी सब्सटेंस या प्रोडक्ट जो कि इस्तेमाल किया जाता है फिजियोलॉजिकल सिस्टम को एक्सप्लोर के मॉडिफाई करने के लिए, या कोई पैथोलॉजिकल स्टेट या मतलब कोई भी डिजी उसके फायदे के लिए। सही है। इसके अलावा ड्रग इज ऑल्सो डिफाइंड एज एनी केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज फॉर प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस ऑफ डिजी। ठीक है, मेरे ख्याल में इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि प्रिवेंशन, जैसे वैक्सीन होती है प्रिवेंट करती है किसी भी वायरस से, ट्रीटमेंट जो कि मेडिसिन होती है, और या डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज। बहुत सारी मेडिसिन डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। फिर जब हम एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी की बात करते हैं, इसका मतलब ये है स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ वेरियस फार्माकोलॉजिकल एजेंट। मतलब कौन से एजेंट्स का मतलब यहाँ पे हमने लिया हुआ है, कोई भी ड्रग या फिर एक्टिव मॉइटी या भी कोई भी केमिकल सब्सटेंस विच इज़ यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड डायग्नोसिस पर्पज ऑफ एनी डिजीज। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ वेरियस फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स ऑन डिफरेंट एनिमल स्पीशीज। एनिमल स्पीशीज इसकी एक्सपेरिमेंटल लैब की, मतलब फार्माकोलॉजिकल लैब में जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं वो ज़्यादातर करते ही एनिमल्स के ऊपर हैं। और वो इसलिए करते हैं ताकि सेफ्टी को हम पहले चेक करते हैं, असेस करते हैं ह्यूमंस पे जाने से पहले। ऐसा नहीं करते कि सबसे पहले डायरेक्ट ह्यूमन पे ही, इंसानों के ऊपर ही कोई भी केमिकल खिला के चेक कर ली दवाई सही है, इससे तो बहुत डेथ्स हो सकती हैं और ये सेफ नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए हम एनिमल्स पे जाते हैं पहले, स्मॉल एनिमल्स फिर हायर एनिमल्स पे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, फार्माकोलॉजी में रिसर्च या स्टडी हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि हमें कोई भी थेरेप्यूटिक एजेंट या ड्रग के बारे में पता चले। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना वायरस के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है, और बहुत सारे टेस्टिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, एनिमल्स पे भी हो रहे हैं। अब बहुत सारे तो ह्यूमन तक आ चुके हैं, क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट भी हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगी लेटर इन इन द नेक्स्ट स्लाइड के क्लिनिकल ट्रायल होता क्या है। अच्छा, और टू स्टडी द टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग। तो आपको तो पता है कि हर ड्रग जो है उसके साइड इफेक्ट होते हैं, अनवांटेड इफेक्ट होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते कि इंसान मतलब मर जाए, या फिर थेरेप्यूटिक इफेक्ट ज़्यादा होते हैं उसके, मतलब उसकी बेनिफिशियल इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, उसके फ़ायदे ज़्यादा होते हैं किसी भी पर्पस के लिए अगर ले रहे हैं तो। लेकिन अनवांटेड इफेक्ट इतने नहीं होते। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है तो फिर वो जो केमिकल है जिसको हम ड्रग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मेडिसिन बनाना चाह रहे हैं, फिर हम वो टेस्टिंग उसकी वहीं रोक देते हैं, वो ह्यूमंस पे आता ही नहीं है वो आगे। ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है? टू स्टडीज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग। मतलब आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा है कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं, किस तरह से उनका मैकेनिज्म होता है। फिजियोलॉजी में हमारी बॉडी में सेकंड मैसेंजर के थ्रू रिसेप्टर्स जी प्रोटीन लिंक्ड होते हैं बहुत सारे। ठीक है, लाइगेंड पढ़ा है आपने, लाइगेंड एक ड्रग भी हो सकती है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि ड्रग जो या मेडिसिन आपने जो ली है वो आपकी बॉडी में जाती है तो वो कहाँ बाइंड करती है, किस रिसेप्टर से बाइंड करती है, क्या उसका इफेक्ट होता है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और साइट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग है कि वो किस जगह जाके बाइंड करेगी और किस पर्पस के लिए ली जा रही है।
इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द रैशनल या फिर लॉजिक क्या है फार्माकोलॉजी एक्सपेरिमेंट करने के पीछे, फार्माकोलॉजी तो आप ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं, तो फार्माकोलॉजी ड्रग्स जो हैं, फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग्स, उसके मैकेनिज्म, उसके यूजेस, एडवर्स इफेक्ट और इंटरेक्शन, ये सब आप थ्योरी क्लास में तो पढ़ेंगे, लेकिन इन सारी ड्रग्स के जो प्रिंसिपल मतलब इम्पोर्टेंस इसकी टेस्टिंग करने में और इसकी एक्सपेरिमेंट जो एनिमल पे हम करते हैं उसकी टेस्टिंग एनिमल्स पे या आइसोलेटेड पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रॉम द ऑर्गन लाइक ऑर्गन टिश्यू बात, तो उसको हम टेस्ट करने के लिए, इसके अलावा एक रीज़न ये हो सकता है ताकि आप एनिमल हैंडलिंग सीख लें, आप सीखेंगे फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक प्रिंसिपल। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक मैं आगे डिटेल में बताऊंगी, वैसे एक शॉर्ट एक लाइन की डेफिनेशन इसकी ये है कि आपने एक मेडिसिन ली और वो मेडिसिन कहाँ कहाँ आपकी बॉडी में जाती है और बॉडी से किस तरह से रिएक्ट करती है, आपकी बॉडी उस ड्रग के साथ कैसे रिएक्ट करती है। फार्माकोडायनेमिक ये है कि ये जो दवाई ली आपने उसका क्या असर होगा आपकी बॉडी के ऊपर, सही है। तो फार्माकोकाइनेटिक जो है वो मूवमेंट ऑफ द ड्रग है, मतलब जो एब्जॉर्ब होगी, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी, किस तरह मेटाबोलाइज होगी और फिर वो एलिमिनेट होगी, जबकि फार्माकोडायनेमिक जो है वो मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब जब वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगी तो वो कहाँ बाइंड करेगी और इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, इसके बारे में। बिसाइड्स दिस द स्टडी ऑफ फार्माकोलॉजी इन लैब और एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी कॉम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम, तो आपने जो फिजियोलॉजी स्टडी की है उसको कॉम्प्लीमेंट करती है फार्माकोलॉजी, क्योंकि अगर आप सोचें कि फिजियोलॉजी जो है वो नॉर्मल मैकेनिज्म है, नॉर्मल सिस्टम है एक इंसान का, अब फार्माकोलॉजी क्या है, फार्माकोलॉजी में जो आपकी बॉडी में एंजाइम्स हैं या हॉर्मोन्स हैं, सही है, उनको या तो वो ब्लॉक करती है या फिर स्टिमुलेट करती है, बढ़ाती है, सही है, बहुत सारी चीज़ों में यही हो रहा होता है, अलग अलग मैकेनिज्म से होता है, वो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो मेजरली फार्माकोलॉजी यही है कि जब कोई भी दवाई हमने ली तो या तो वो किसी चीज़ को ब्लॉक कर देगी या इनहिबिट कर देगी बॉडी में आपके रिसेप्टर को बाइंड करके, या फिर उसको बढ़ा देगी या स्टिमुलेट कर देगी, ठीक है। और ड्रग क्या है, एक लाइगेंड है, वो सब आपको पता ही है, आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा है। अच्छा, फार्माकोलॉजिकल इवेल्यूएशन ऑफ ड्रग की अगर हम बात करते हैं तो ये इवेल्यूएशन ऑफ ड्रग का मतलब है इसकी टेस्टिंग, ठीक है, हम किस तरह से असेसमेंट करते हैं एक ड्रग की फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी तो आपको पता है कि स्टडी ऑफ ड्रग है, उसकी फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक जो कि इसकी फर्दर सब डिवीजन, इसकी सब ब्रांचेस कह दें आप। और फार्माकोकाइनेटिक क्या है, वॉट डज बॉडी डू टू द ड्रग, आपने एक टेबलेट ली वो किस तरह से मूव होगी और बॉडी में उसकी एडीएमई क्या है, एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म एंड ई फॉर एलिमिनेशन। तो एब्जॉर्प्शन किस तरह से आपने जो मेडिसिन ली है वो एब्जॉर्ब कैसे होगी, जीआई ट्रैक से होगी, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होके कहाँ कहाँ ब्लड स्ट्रीम में जाती है, फिर मेटाबोलाइज लिवर से होगी और एलिमिनेट होगी आपकी यूरिन से और फीसेस से कुछ परसेंट, ये सब हम फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं। अब फार्माकोडायनेमिक में क्या है, आपकी बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है उस ड्रग के अगेंस्ट, वो आपका फार्माकोडायनेमिक है और ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अच्छा, इवेल्युएशन क्या होता है, ये इन्वेस्टिगेशन कह दें या टेस्टिंग कह दें या एग्जामिनेशन कह दें, बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया स्पेशली सेफ्टी एंड एफिकेसी विद पॉसिबल अनवांटेड इफेक्ट। तो आप इसमें क्राइटेरियाज जो हैं वो स्टडी करते हैं, सबसे पहले हम किसी भी दवाई की जो हम टेस्ट करते हैं उसकी सबसे पहले सेफ्टी देखते हैं, वो टॉक्सिक तो नहीं है, अगर वो टॉक्सिक है तो हम वहीं वो स्टडी रोक देते हैं। अगर वो एनिमल्स को मार दे, LD50 50% अगर एनिमल को किल कर दिया है किसी भी दवाई ने, और या उससे ज़्यादा कर दिया, बल्कि 50% से ज़्यादा, तो फिर वो हम आगे टेस्टिंग के लिए नहीं लेके जाते, ठीक है। और उसकी एफिकेसी, एफिकेसी का मतलब कितनी इफेक्टिवनेस है, कितनी ज़्यादा उसकी थेरेप्यूटिक एफिकेसी है, ठीक है, और इसके साइड इफेक्ट्स कम से कम होने चाहिए, बेटर सबसे अच्छी ड्रग वही होती है। तो फार्माकोलॉजी लैब में हम प्री क्लिनिकल टेस्टिंग या प्री क्लिनिकल स्टडी करते हैं करते हैं तो प्री क्लिनिकल स्टडी का दूसरा नाम है नॉन क्लिनिकल स्टडी, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं दो सब ब्रांचेस में, जिसे कहते हैं इन वीवो टेस्टिंग और दूसरा है आपका इन विट्रो टेस्टिंग, ठीक है। तो इन वीवो टेस्टिंग क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन ऑन होल इंटैक्ट लिविंग बॉडी,
तो ये एनिमल जो कि लाइव एनिमल होता है, हम उसको दवाई खिलाते हैं, या तो आई ओरली देते हैं या इंट्रा पेरिटोनियली देते हैं, पेरिटोनियम में एडमिनिस्टर करते हैं। फिर हम उसके इफेक्ट्स देखते हैं उस ड्रग के। फॉर एग्जाम्पल एनाल्जेसिक इफेक्ट है, एनाल्जेसिक ड्रग वो होती है जो कि पेन रिड्यूस करती है, और इसके अलावा फीवर रिड्यूस करने की पैरासिटामोल है। तो आप अगर ये इंशाल्लाह परफॉर्मेंस होगी, ये आपके जो प्रैक्टिकल है ये नेक्स्ट सेमेस्टर में होंगे, इस साल जो आपके हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट्स जो हैं हम वो देखेंगे सिर्फ रैबिट आई के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इन वीवो टेस्टिंग में एनिमल मॉडल बेस्ड टेस्टिंग एंड क्लिनिकल ट्रायल आर मेजर एलिमेंट इन वीवो रिसर्च। बिल्कुल यही बात है। तो एनिमल बेस्ड टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है सेफ्टी फाइंड आउट करने के लिए। इसके अलावा इफेक्टिवनेस हम देखते हैं, डोजेज डोज देखते हैं, कितनी पोटेंसी उसकी देखते हैं। तो डोज और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये सब चीज़ें ह्यूमन स्टडीज़ में भी कर लेते हैं, लेकिन जो कि टॉक्सिक डोज है, हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि तो किस ड्रग किस डोज के ऊपर टॉक्सिसिटी आती है। जैसे कि आपको पता है कि पैनाडॉल जो है या पैरासिटामोल है, एक दिन में कितनी खाई जा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक दिन में जो इसकी मैक्सिमम डोज है, मैक्सिमम थेरेप्यूटिक डोज, वो है 1 ग्राम, उस 1 to 4 ग्राम, सही है, 4 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं खा सकते। और इसकी जो टॉक्सिक डोज है पैरासीटामोल की, वो 10 ग्राम है। अगर कोई 10 ग्राम इंजेशन कर लेता है, 10 ग्राम में बहुत सारी मेडिसिन गोलियां आती हैं, एक जो पैरासीटामोल है वो 500 मिलीग्राम के बराबर है। तो अब आप खुद देख लें कैलकुलेट करके कि 10 ग्राम में कितनी होगी, ठीक है। तो वो लिवर पे अफेक्ट करती है, लिवर टॉक्सिसिटी कर देती है। अच्छा, ये हो गई इन वीवो, मतलब लाइव एनिमल, ठीक है, इंटैक्ट होता है बॉय, हम उसे मारते नहीं हैं। अच्छा, और क्या है, और ये बेटर किसके लिए होती है? बेटर सुटेड फॉर ऑब्जर्विंग द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ लिविंग सब्जेक्ट। तो खैर, ये बेटर इसलिए है, इसे हम दोनों करते हैं ये, इसमें स्टडीज इन विट्रो इन वीवो। तो अगर लाइव एनिमल पे, मतलब एक इंटैक्ट एनिमल के ऊपर अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो करीब करीब हो जाते हैं ह्यूमन के, ना कि अगर हम कोई लैब में किसी भी टेस्ट ट्यूब में कोई, मतलब हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो इट इज़ फार फ्रॉम प्रैक्टिकल थिंग ना, कि ह्यूमन्स पे क्या हो गया उसके इफेक्ट पता, मतलब हम कह नहीं सकते कि अगर लैब में टेस्ट ट्यूब में हमारे पास या सेल कल्चर में हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं तो वो ह्यूमन पे भी आएंगे, ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो इन विट्रो टेस्टिंग जो है वो आउटसाइड द लिविंग बॉडी है, मतलब मैंने एक एनिमल लिया, उसको डायसेक्ट किया, डायसेक्ट करके उसका मैंने हार्ट निकाला या किडनी निकाली या फिर उसके इंटेस्टिन निकाली, फिर उसको हमने मैंने ऐसे किया, उसका टिश्यू बाथ में जो है उसकी कॉन्ट्रैक्शंस चेक की। अगर मैं स्पाज्मोलाइटिक ड्रग, स्पाज्मोलाइटिक का मतलब ये है कोई ऐसी दवाई जो कि स्पाजम्स जो होते हैं, स्पाजम्स उसको कम करती है, तो अगर वो मैंने कॉन्ट्रैक्शंस को कम करेगी वो आपके इंटेस्टाइन की, आपकी गट की, तो वो एक इट्स अ बेटर, मतलब लीड कह सकते हैं या ड्रग कह सकते हैं, केमिकल मॉइटी कह सकते हैं एंड ह्यूमन स्टडीज के लिए भी। और या फिर आपने हार्ट लिया, फ्रॉग से हार्ट निकाला मैंने, उसको इंटैक्ट रख के उसकी कॉन्ट्रैक्शंस चेक की, तो आइनोट्रॉपिक और कोनोट्रॉपिक इफेक्ट देखे जा सकते हैं, मतलब हार्ट रेट, अगर कोई मेडिसिन है कोई हार्ट रेट कम कर रही है या ब्लड प्रेशर कम कर रही है तो, और कॉन्ट्रैक्शन कम कर रही है हार्ट की, तो उसके इफेक्ट देखे जा सकते हैं। अच्छा, तो इन विट्रो स्टडीज जो है हम टेस्ट ट्यूब में भी करते हैं, आइसोलेटेड ऑर्गन पे भी करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे अपरेटस हैं, डिफरेंट अपरेटस में करते हैं, लेकिन इसमें कोई एनिमल लाइव नहीं होता, मतलब एनिमल से हम उसका ऑर्गन निकाल के करते हैं, या फिर जैसे सेल लाइंस के ऊपर हम काम करते हैं तो वो भी इन विट्रो मेथड है। सेल लाइंस क्या होती हैं? सेल कल्चर में हम आर्टिफिशियली सेल को ग्रो करा रहे होते हैं, मतलब लाइव ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं हम उसको ग्रो करवाते हैं, या तो हम उस सेकेंडरी मतलब मेथड से जाके सेल लाइंस जो कि आर्टिफिशियल ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में उससे जाते हैं, या फिर हमें किसी एनिमल से लेके उसके ग्रो कराते हैं, तो ये सेल कल्चर मेथड होता है। फिर उसके बाद हम आते हैं क्लिनिकल टेस्टिंग के ऊपर, हम इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग की एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं FDA में। ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, बात करते हैं ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस की, जिस मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन था कि ड्रग को किस तरह से डेवलप किया जाता है, इसके पीछे क्या प्रोसेस है। तो
तो ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस एक प्रोसेस है, एक नॉवेल मतलब न्यू न्यू ड्रग या मेडिसिन को बेंच टू बेड साइड लेके आने के लिए। बेंच टू बेड साइड का वर्ड का मतलब ये है, बेंच वर्क लैब में होता है, मतलब लैब में आपकी बेंच होती है ना, उसके ऊपर आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं दवाइयों की। तो आप जब आगे भी ईयर्स में जाएंगे, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर में, उसमें भी आप बेंच पे काम करेंगे मेडिसिन बनाने के लिए, या फिर उसकी डेवलपमेंट में जो भी काम होता है वो बेंच वर्क है, वो सब प्री क्लिनिकल होता है। और बेड साइड का मतलब है ह्यूमन टेस्टिंग, मतलब पेशेंट्स के ऊपर, जो बेड साइड बेड पेशेंट्स के लिए होता है। तो पेशेंट टेस्टिंग जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स में होती है। तो ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ नॉवेल ड्रग फ्रॉम बेंच टू बेड साइड। तो इस प्रोसेस के अंदर ऑलमोस्ट 10 से 15 साल लगते हैं इसकी मतलब इसके डिज़ाइन में, इसको डेवलप करने में और इसकी अप्रूवल में, जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे कि फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से होती है। कुछ सर्कमस्टांसेस में जो है ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस हम जल्दी भी कर देते हैं, एक्सपीडाइट कर देते हैं, जैसे कि एक्सपीडाइट का मतलब होता है जल्दी कर देना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, जैसे कि कोरोना वायरस है। अब आपको पता है कि इसकी कोई ड्रग नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के बिना पे 10 से 15 साल नहीं, हम इसकी वैक्सीनेशन जो है 18 मंथ्स तक, अगर तो बेटर रिजल्ट्स आते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स, तो 18 मंथ्स तक इंशाल्लाह ये लॉन्च हो जाएगी। इससे पहले कि एक ड्रग जो है वो एक मरीज तक पहुंचे, एक पेशेंट तक, उससे पहले बहुत ही रिगरस टेस्टिंग से गुजरती है, ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो दवाई है वो बहुत सेफ है, इफ़ेक्टिव है उस मेडिकल कंडीशन, मतलब मेडिको बीमारी के लिए इस्तेमाल करने के लिए, ताकि मेक श्योर करने के लिए कि उसकी जो डोज है वो बिल्कुल करेक्ट है, सही, और अप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन रूट। अप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन रूट का मतलब ये है, एडमिनिस्ट्रेशन रूट का मतलब ये है कि जैसे हम ओरली ले रहे हैं या फिर इंट्रावीनसली या पेरेंट्रली इंट्रावीनसली ले रहे हैं। पेरेंट्रल रूट बहुत सारे होते हैं, इंट्रामस्क्यूलर, इंट्रावीनस, इंट्राग्लूटियल, इंजेक्शन लगाना, ठीक है। तो हर दवाई का रूट फाइंड आउट करने के लिए भी पीछे पूरी बहुत ज़्यादा टेस्टिंग है और इसके पीछे साइंस है। दो एक डोज तक पहुँचने के लिए भी बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ट्रायल करने पड़ते हैं, और फार्मूला एप्लीकेशन होती है जो कि आप नेक्स्ट ईयर्स में फाइंड आउट कर लेंगे इंशाल्लाह। और फॉर एग्जांपल अगर एक एंटीबायोटिक है सेफेक्साइम, एक नाम ले रही हूँ, अब वो सिर्फ ओरली मतलब उसकी कैप्सूल ही आती है, उसका कोई इंजेक्शन नहीं आता, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। आप स्टेबिलिटी पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर, फार्मास्यूटिक्स की लैब में जाके, कि स्टेबिलिटी क्या होती है टेस्टिंग। तो हर दवाई जो है वो स्टेबल नहीं होती हर डोजेज फॉर्म के अंदर। डोजेज फॉर्म का मतलब ये किस फॉर्म में मेडिसिन मौजूद है, कैप्सूल में है, टैबलेट में है, सीरप में है, इंजेक्शन में है, ये डोजेज फॉर्म है। डोज क्या होती है, डोज का मतलब होता है जैसे कि मैं कह दूँ, हाँ, आप बुखार के लिए पैरासीटामोल 2 गोलियां लेते हैं, एक क्यों नहीं लेते, वजह क्योंकि वो उसके उसका इफेक्ट नहीं आएगा, वो बुखार को ख़त्म ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो 1 ग्राम जो है एक थेरापूटिक डोज है। थेरापूटिक का डोज का मतलब ये होता है कि उस कंडीशन के लिए जो सबसे बेस्ट इफेक्टिव डोज होगी वो 1 ग्राम ही होगी। अगर आप 500 mg मतलब एक गोली ले लेंगे तो वो सब थेरापूटिक कहलाएगी। सब थेरापूटिक का मतलब है कि कोई असर नहीं होगा, सही है, नो यूज़, लाइक अ प्लेसिबो। प्लेसिबो वो दवाई होती है जिसके अंदर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर 500 mg ऐसे ही ले ली सर दर्द के लिए, बगैर बुखार नहीं है, तो ले सकते हैं, ठीक है। और ये सब आपको जो है हमारी जो फॉर्मुलरीज होती हैं, ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी हो गई, तो पाकिस्तान को तो हम यहाँ पे जो फॉलो करते हैं FDA को फॉलो करते हैं, और BNF ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी फॉलो करते हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें डोजेज ऑलरेडी लिखी हुई होती हैं। और भी एक वेबसाइट है मेडस्केप के नाम से, आप लोग देख सकते हैं google.com पे जाके मेडस्केप, उस पर आप फ्री रजिस्टर करेंगे और उसमें आप कोई भी मेडिसिन डालें उसका पूरा मोनोग्राफ, पूरा डिटेल्स आ जाती हैं, किस मतलब कंडीशन में किस डोज पे हमें ये दवाई लेनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, खैर, तो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जो कि सुपरवाइज करती हैं और रेगुलेट करती हैं हम ड्रग्स को, ठीक है, जैसे, और प्रिस्क्रिप्शन को रेगुलेट करती हैं, कौन सी दवाइयाँ जो हैं वो सिर्फ डॉक्टर के नुस्खे पे ही देनी चाहिए या प्रिस्क्रिप्शन पे ही देनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन है जो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के हम ले सकते हैं, ओवर द काउंटर उसे हम कहते हैं मेडिसिन या ड्रग। फॉर एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं, बुखार की हो गई,
या फिर आपकी कफ हो गई, लोजेंजल्स, कफ सप्रेसेंट हो गई, देर आर सो मैनी एंटी एलर्जिक वगैरह वगैरह पेट के दर्द की, तो ये ओवर द काउंटर है. वैक्सीन्स और इसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस में आपकी आ जाता है जैसे कि इनहेलर. इनहेलर में ड्रग होती है और वो एक मेडिकल डिवाइस है. वो इनहेलर नहीं होगा तो हम नहीं ले सकते उसके बगैर, वो आपके लंग्स तक नहीं जा पाएगी दवा पूरी. अच्छा, द स्टेजेस ऑफ डेवलपिंग आर ड्रग. अब ये स्टेजेस हैं सारे. स्टेजेस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले है बेसिक रिसर्च. बेसिक रिसर्च में आप क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और डिटरमाइन करते हैं न्यू आइडियाज़ के बिना पर, बहुत सारे कंपाउंड्स की स्क्रीनिंग करते हैं. मतलब थाउजेंड्स नहीं बल्कि अराउंड मिलियंस मिलियंस हम कंपाउंड को स्क्रीन करते हैं, और स्क्रीन करके हम उसको रिड्यूस कर देते हैं. मतलब हम जो नेगेटिव जिसके रिजल्ट्स होते हैं उसको इंक्लूड नहीं करते, जो भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे होते हैं उनकी बिना पे हम 25,000 से 20,000 हम ये रेशियो ले आते हैं, और ये आता है ड्रग डिस्कवरी स्टेज के अंदर. ठीक है, और ये जो बेसिक रिसर्च है ये हम इनविट्रो मेथड से, मतलब आउटसाइड ऑफ द लिविंग बॉडी, ये हम कर रहे होते हैं यूजिंग डिफरेंट मेडिकल इक्विपमेंट्स या डिफरेंट टेक्निक्स, और बहुत महंग, मतलब ये बहुत ही कॉस्टली काम होता है. तो डिफरेंट डिफरेंट हम इसमें इनविट्रो मेथड्स यूज कर रहे होते हैं. इसके बाद है ड्रग डिस्कवरी, जिसमें अराउंड 55,000 सॉरी 20,000 हम इसमें कंपाउंड्स जो है स्क्रीन करते हैं. ठीक है, स्क्रीन करने का मतलब ये कि हम उनको एक तरह से, स्क्रीनिंग का मतलब है छानना, जैसे फिल्टर करना कि जो सबसे बेस्ट टारगेट कंपाउंड है हमें वो चाहिए हैं. तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? इसमें है टारगेट आइडेंटिफिकेशन एंड वैलिडेशन, दूसरा है हिट आइडेंटिफिकेशन एंड वैलिडेशन. अच्छा मैं लिख देती हूँ. तो ड्रग डिस्कवरी के प्रोसेस में हम स्क्रीन करके जो है बेसिक रिसर्च से 5,000 से 20,000 के दरमियान आ गए. इसका पहला जो स्टेप है वो है टारगेट आइडेंटिफिकेशन एंड वैलिडेशन. टारगेट आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कोई भी पर्टिकुलर डिजीज या डिसऑर्डर या जिस कंडीशन के लिए भी हमारा टारगेट है, जैसे आजकल जो है वो बहुत हॉट टॉपिक है कोरोना वायरस, सार्स कोव टू जिसका नाम है कोविड-19. अब उसके लिए टारगेट क्या है? टारगेट साइट लंग्स हैं. लंग्स में कौन से रिसेप्टर्स मौजूद हैं जिससे वायरस बाइंड करता है? वो है आपकी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2. मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ. तो ये जो रिसेप्टर हैं ये हमारे लंग्स में बहुत अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं, और ये टारगेट रिसेप्टर हैं जिनसे वायरस का जो प्रोटीन है वो बाइंड करता है. और एंट्रेंस है ये बेसिकली, ये जो रिसेप्टर है ना ये की एंड लॉक का स्ट्रक्चर शो करते हैं. ये की बनी हुई है और वायरस जो है वो एक लॉक की तरह आ जाता है और एंटर हो जाता है. चाबी लगाते हैं तो एंटर होते हैं ना, जिस तरह आप घर के अंदर, इस तरह से सेम इज द केस विद दैट. तो हमारा जो टारगेट है यहाँ पे, टारगेट क्या है? दीज रिसेप्टर्स. साइट क्या है? लंग्स. ठीक है, ये टारगेट आइडेंटिफाई. तो किसी भी दवाई, ड्रग, कंपाउंड की में, ड्रग डिस्कवरी में सबसे पहले हम टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं. एंड वैलिडेशन. वैलिडेशन का मतलब ये है कि वो जो टारगेट है वो उस बीमारी की प्रोसेस या प्रोग्रेशन में बहुत हेल्पफुल है. इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर एग्जाम्पल ये जो रिसेप्टर है, अब ये रिसेप्टर्स का क्या रोल है इन्फेक्शन में? ऑब्वियसली इन्फेक्शन में रोल है, मतलब इन रिसेप्टर्स से बाइंड करता है वायरस, तभी तो वो बॉडी के अंदर जाता है और प्रोग्रेस करता है. और अगर हम इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें या इनके लिए कोई एंटीबॉडी बना दें तो क्या वायरस बाइंड करेगा? नहीं, वायरस बाइंड नहीं करेगा. तो ये हमारा टारगेट है. और वैलिडेशन का मतलब है कि किस तरह से डिजी में प्रोग्रेस, इस टारगेट की वजह से डिजी प्रोग्रेस करती है. इसके अलावा दूसरा है नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पॉइंट जो है ड्रग डिस्कवरी में, पहले था टारगेट और सेकंड है हिट आइडेंटिफिकेशन एंड वैलिडेशन. हिट का मतलब ड्रग डिस्कवरी में हिट का मतलब होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स. इसलिए हिट कह रहे हैं क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम स्क्रीन करते हैं उस पर्टिकुलर टारगेट के लिए. मतलब हमारा कोई केमिकल मॉइटी, ड्रग कंपाउंड या एंटीबॉडी अगर हम बनाना चाह रहे हैं पर्टिकुलर रिसेप्टर के अगेंस्ट, तो वो हिट आइडेंटिफिकेशन है.
और वैलिडेशन का मतलब ही यही है कि हम जो भी मेडिसिन बना रहे हैं उसको वो वाकई में उस डिजीज को क्योर करने में या एलिविएट या रिड्यूस करने में हेल्पफुल है, ठीक है। इसके बाद है थर्ड, थर्ड जो है वो है कैंडिडेट सिलेक्शन या लीड कंपाउंड, लीड कंपाउंड की कैंडिडेट सिलेक्शन। तो मैं यहाँ पे लेट मी राइट दिस, ओके। सो लीड ऑप्टिमाइजेशन एंड कैंडिडेट सिलेक्शन, इसका मतलब ये है, लीड का मतलब है कि बहुत प्रॉमिसिंग कंपाउंड्स उनको हम ऑप्टिमाइज करते हैं, मतलब हमारे जो हमें रिजल्ट्स चाहिए, डिजायर्ड रिजल्ट, वो उसके लिए ऑप्टिमाइज करके हम एक फाइनल कैंडिडेट, फाइनल कैंडिडेट सिलेक्शन जो कि एनिमल स्टडीज या ह्यूमन स्टडीज के लिए बहुत सूटेबल होता है, सबसे ज्यादा सूटेबल होता है, हम यहाँ तक लेके आते हैं, ठीक है। प्री क्लिनिकल स्टडीज से पहले तक होता है ये सब, मतलब एनिमल टेस्टिंग से पहले तक हमें एक फाइनल कैंडिडेट चाहिए होता है जो लीड कंपाउंड होता है और जिसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग होते हैं, ठीक। अच्छा, ये अराउंड होते हैं 250 तक, हम 5000 से 20000 में से 250 स्क्रीन करते हैं प्री क्लिनिकल रिसर्च में, मतलब एनिमल टेस्टिंग में। फिर उसके बाद एनिमल टेस्टिंग में जो भी हमारे पास बहुत बेस्ट सूटेबल रिजल्ट्स आते हैं, हमारे डिजायर्ड रिजल्ट, उसमें से भी हमें 5 सिलेक्ट करनी होती हैं ड्रग्स। अब 5 सिलेक्ट करते हैं वो हम ह्यूमन टेस्टिंग के लिए करते हैं, हम इतनी ज़्यादा ह्यूमन टेस्टिंग कर नहीं सकते और इसके फेजेस मैं आगे बताती हूँ वीडियो में कौन कौन से इसके फेजेस होते हैं और ये थोड़ा सा आपको एनिमेटेड फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। और एक फाइनली एक अप्रूव ड्रग हमारे पास आ जाती है।